चांदीपुरा वायरस को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में अभी तक कोई भी मामला नहीं आया, लेकिन एमपी के पड़ोसी राज्यों में फैल रहा चांदीपुरा वायरस को देखते हुए यहां पर उप मुख्यमंत्री ने अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि प्रदेश में अभी कोई मामला नहीं है। आपको बताएं कि गुजरात में चांदीपुरा वायरस के मामले सामने आए और कई लोगों की जान भी चली गई है। राज्य ने सभी आवश्यक उपकरण अब उपलब्ध करा लिए हैं और संबंधित जानकारी पोर्टल पर भी अपडेट की जा रही है। अब आपको समझा देते हैं कि चांदीपुरा वायरस है क्या। सैंड फ्लाइज नाम के मच्छर के काटने से यह बीमारी होती है और बीमारी में फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। डायरिया, शरीर में दर्द और सिरदर्द जैसी परेशानी होती है। तो देखिए, बीमारी में फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं और क्या क्या लक्षण होते हैं। डायरिया, शरीर में दर्द और सिरदर्द जैसी परेशानी होती है। वैसे देखने में ये आम परेशानी लगती है, लेकिन आप जब भी ये परेशानी हो तो सीधा डॉक्टर से संपर्क करें। 24 से 48 घंटे के अंदर मरीज की मौत हो सकती है और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इससे ज्यादा नुकसान होता है। तो देखिए, आपको साथ में बता देते हैं कि कैसे आप इससे बचाव कर सकते हैं। बचाव करने के लिए साफ सफाई रखना बेहद जरूरी होता है। सैंड फ्लाइड मच्छर के काटने से आप बचें, खुद को सुरक्षित रखें और फुल स्लीव कपड़े पहने, क्योंकि मच्छर अगर आपको कहीं पर भी काटेंगे तो इसकी वजह से आप इस वायरस के शिकार हो सकते हैं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, खासकर बारिश के मौसम में मच्छर का प्रकोप जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। खाने पीने का सामान जो है वो खुले में नहीं रखें, खाने पीने के सामान को ढक कर रखें और उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। वायरस से बचाव का कोई टीका नहीं बना है अब तक, इसीलिए आपको इसका बचाव खुद ही करना है। वायरस का खतरा सबसे ज्यादा बुजुर्ग और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है, इसीलिए गंदगी से दूर रहें और खासकर बच्चों को गंदगी से दूर रखें और अपने डाइट का भी खास ध्यान रखें।